आज जो रेसिपी मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। और ये बहुत इजी स्टेप्स में बनके रेडी हो जाती है। मसाले कम होने के साथ साथ इसमें टेस्ट जो मिलता है आपको, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आपको इसमें मिलता है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ शिनवारी चिकन और ये बहुत ईजी स्टेप्स में बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो ये वन पॉट डिश है, तो इसके लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें मैं डाल दूंगी ये वेजिटेबल ऑयल। इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ऑयल मेरा गरम नहीं हुआ था, पर मैंने इसमें क्या किया था, चिकन के जो पीसेस थे, 1 किलो चिकन मैंने यहाँ लिया है वो मैंने डाल दिया है और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल दिया था। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे भूनूंगी, फ्राई करूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, रेड नहीं हो जाता। ये देखिए इस तरह से, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन। इस तरह से चिकन के में जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है और जो इसकी स्मेल होती है ना वो भी चली जाती है। तो बस चिकन मेरा फ्राई हो गया है अच्छे से और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो बस सारे टमाटर मैंने डाल दिए, उनको हाफ कट करके, मैंने इनका स्किन नहीं निकाला है, स्किन रिमूव नहीं किया है, हाफ कट करके मैंने टमाटर्स को क्या किया इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे ढक कर रख दूंगी। तो जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और सॉफ्ट होके इनकी स्किन रिमूव नहीं होने लगती तब तक कि मैं इसे रखूंगी। तो देखिए यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गया। अच्छा क्या हुआ, यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा फ़ोन बंद हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे कर दिया था चिकन को और जो टमाटर थे ना उनकी स्किन थी उनको मैंने रिमूव कर लिया था इस तरह से। तो बस इसके अलावा मैंने कोई भी और स्टेप यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से क्या करेंगे, सारे टमाटर की स्किन जो है ना रिमूव कर लेंगे और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनते जाएंगे ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और वो थोड़े से मैश भी हो सके इस तरह से। तो हमें चिकन को अपने आप टमाटर के साथ फ्राई करना है और इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च डाली हैं, तीखी वाली हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस टमाटर और हरी मिर्च के साथ हमें अपने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो गया था, टमाटर भी सॉफ्ट होके गल गए थे। तो यहाँ पे जो मैं इसका एक्सेस ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, आप चाहें तो इसे रखें, लेकिन अगर इसे निकाल देंगे ना तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी। अच्छा ये ऑयल को मैंने क्या किया था, इसके साथ मैंने बनाया था प्लेन पुलाव, हैदराबादी प्लेन पुलाव, तो ये ऑयल मैंने उसमें यूज़ कर लिया था। तो आप चाहें किसी पुलाव में, किसी राइस में, या फिर आप चाहें तो इसे पराठों में भी लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑयल जो है ना मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रखा था, बाकी ऑयल मैंने रिमूव कर दिया था। तो बस ऑयल मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरा है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, और ये है चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी हुई चिली, लाल जो सूखी मिर्च होती है वो। बस अब मैं थोड़ा सा और इसे फ्राई कर लूँगी इन मसालों के साथ। जो टमाटर की स्किन है उसे आपको फेंकना नहीं है, उसे पानी में डिप करके रख दीजिएगा क्योंकि उसमें भी अच्छा सा ऑयल और अच्छा सा जो फ्लेवर होता है, तो वो मैंने पानी में डिप करके रख दिया था, वही पानी मैंने इसकी ग्रेवी में यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसको मैंने पानी में 1/2 कप वाटर में मैंने इसे मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इससे जो है ना जिंजर और गार्लिक का इतना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप इसे इस तरह से भी बनाकर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो जहाँ पर आपने चिकन, जहाँ पर आपने टमाटर जो फ्राई किए थे ना, जब टमाटर फ्राई हो गए थे, तो उस पॉइंट पर भी आप जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना, या जिंजर गार्लिक का वाटर ऐड कर सकते हैं। तो बस देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो वाटर मैंने ऐड किया था वो भी इवेपोरेट हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है, उसका कच्चापन भी चला गया है, पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो अब मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, और सॉल्ट भी मैंने डाला था पर मैंने वो शायद दिखाना भूल गई हूँ, मैंने सॉल्ट भी इसमें ऐड किया था। इस पॉइंट पर आप सॉल्ट वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये मेरा जो है ना कढ़ाई हो गई है रेडी। तो बहुत ही, देखा आपने, बहुत ही ईजी स्टेप्स में बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो बस इस तरह से मैंने इसे सर्व कर दिया था। आप चाहें तो इसे रोटी, चपाती, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे खाली भी खा सकते हैं, खाली भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लोगों ने चिकन शिनवारी बहुत इन्जॉय की, इसे मैंने बनाया, बनाते हुए भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें।
तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साइड में बेल का आइकन भी उसे भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।